आइए दोस्तों, तो अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक सीरीज, जिस सीरीज में हम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का हम अध्ययन करेंगे, और ये सारी सीरीज जो होगी प्ले वाइज होगी। और मुझे उम्मीद है कि इस बार यदि पेपर टफ जाता है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे एग्जाम को क्रैक करने में। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर जो भी वीडियोस आते हैं वो आपको मिलते रहें। तो सभी लोगों को एक साथ फिर से आपका वेलकम स्वागत, आइए चलते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, लियर इज द किंग ऑफ व्हाट कंट्री? यहां पर ऑप्शन दिया है दोस्तों, फ्रांस, ब्रिटेन, इस एंगेलिया, स्कॉटलैंड। तो करेक्ट यहां पर पूछा गया है कि लियर जो है वो कहां का राजा था, किस कंट्री का राजा था। दोस्तों याद रखिएगा, जो नाम है राजा का वो लियर है, उसको किंग लियर प्ले के रूप में हम जानते हैं। तो लियर वॉज द किंग ऑफ ब्रिटेन। Which one of Lear's daughters is sent into exile? Lear की तीन बेटियां थी, आपको मालूम है, गॉनरिल, रीगन, कॉर्डेलिया। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि तीनों बेटियों में से किसको उसने एक्साइल कर दिया था, निकाल दिया था। तो सही आंसर है दोस्तों सी, कॉर्डेलिया। Which one of Lear's counselors reprimands the king for exiling his daughter? देखिए, जो काउंसलर थे लियर के, तो यहां पर पूछा गया है कि किस काउंसलर ने अपनी बेटी को एग्जाइल करने के लिए राजा लियर को डांटा था, या यूं कहिए कि उनसे उस पर जो है डिस्कशन किया था। तो यहां पर आप ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, अल्बनी, कैंट, कॉर्नवाल। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है कैंट। और आपको ये बता दूं कि इस प्ले में, किंग लियर में, कैंट ही सबसे बड़ा शुभचिंतक है, या यूं कहिए कि वफादार है राजा लियर का। हु इज ग्लोसेस्टर्स बास्टर्ड सन? यहां पर पूछा गया है कि ग्लोसेस्टर का जो बास्टर्ड सन है वो कौन है, कैंट है, इडगर है, एल्बनी है, या एडमंड है। तो दोस्तों सही आंसर है, द बास्टर्ड किंग ऑफ ग्लौसेस्टर इज एडमंड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हेन लियर विजिट्स गॉनरिल, व्हाट डज शी डिमांड ऑफ हिम? व्हेन, जब लियर जाता है गॉनरिल के पास, तो व्हाट डज शी डिमांड ऑफ हिम, तब वह उससे क्या डिमांड करती है? पहला ऑप्शन है दोस्तों, दैट ही एक्नॉलेज हर एज द सोल क्वीन ऑफ द रियल, दैट ही सेंड अवे सम ऑफ हिज नाइट्स, दैट ही एग्जीक्यूट कॉर्डेलिया, दैट ही सेंड अवे द फूल। तो जो डिमांड थी दोस्तों गॉनरिल की, वो डिमांड थी कि उसको अपने जो सैनिक हैं उनको कम कर देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए, उनको इतने सैनिकों की क्या आवश्यकता है। तो करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों बी। व्हेन दे हियर दैट लियर इज कमिंग टू विजिट देम, जब उन लोगों ने सुना कि लियर उनके यहां आ रहा है, उनके यहां यात्रा पर है, वेयर डू रीगन एंड कॉर्नविल कॉर्नवाल गो, तब रीगन और कॉर्नवाल कहां पर चले गए? जब रीगन और कॉर्नवाल को पता लगा कि राजा लियर हमारे यहाँ आ रहे हैं, तब ये दोनों वहां से चले गए। तो यहां पर पूछा गया कि वो कहाँ चले गए, ग्लौसेस्टर्स कैसल, टू फ्रांस, टू गॉनरल्स होम, टू लंदन। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, जैसे ही रीगन और कॉर्नवाल को पता लगा कि राजा लियर विजिट पर हैं, यात्रा के लिए आ रहे हैं, तो उस समय वो ग्लौसेस्टर के यहां पर चले जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। Why is
इन्वेस्टर्स कैंट थ्रोन इनटू द स्टॉक्स। ऑप्शन नंबर 7 है, ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों फॉर ट्राइंग टू किल गॉन्ड्रिल, गॉन्ड्रिल को मारने के लिए, फॉर बीटिंग ओसवाल्ड विद द फ्लैट ऑफ हिज शॉर्ड, फॉर थ्रेटनिंग लियर्स लाइफ, फॉर प्रेजिंग कॉर्डेलिया इन पब्लिक। तो दोस्तों कैंट के बारे में मैंने आपको बताया, कैंट जो है शुभचिंतक है, बहुत बड़ा राजा लियर का, और उसने अपनी जो शॉर्ड है, जो तलवार है, उससे ओसवाल्ड की पिटाई कर दी थी दोस्तों। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी। When he flees from his father, how does Edgar disguise himself? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखिएगा। When he flees from his father, जब वे चला जाता है अपने पिता के पास से, how does Edgar तब वह अपने आप को डिस्गाइज करता है, रूप बदल लेता है, वेश बदल लेता है, तो किस रूप में वो अपने आप को रखता है? As a common beggar, as a soldier, as Edmund, as Shakespeare। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ए, as a common beggar। और यहां पर रखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों कि वो beggar के रूप में अपने आप को रखता है, वेश बदलकर रहता है। When Lear tells Regan that Gondrin has wronged him, what does Regan advise him to do? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि when Lear tells, जब Lear बताता है Regan को that Gondrin has wronged him, कि Gondrin ने उसको परेशान किया है, छला है, what does Regan advise him to do? तब Regan ने क्या कहा? यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, किल हिमसेल्फ, बैनिश गॉन्ड्रिल, मेक रीगन द सोल क्वीन, या आप रीगन को सोल क्वीन बना दीजिए, टू गो टू गॉन्ड्रिल एंड आस्क हर फॉरगिवनेस। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है डी, उसने कहा कि आप जाइए गॉन्ड्रिल के पास जाइए और उसको जो है उसे क्षमा मांगिए। After he curses both Gondrin and Regan, what does Lear? देखिए, after he curses, जब उसने दोनों को ही दिखाया, Gondrin को और Regan को, दोनों की बड़ी बेटियां Lear की, what does Lear? उसके बाद Lear ने क्या किया? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया है, he storms out of Gloucester's castle, accompanied by the fool. वो ग्लोसेस्टर के कैसल पर जाते हैं फूल के साथ में। ही डिसइनहेरिटेड बोथ डॉटर्स, वे अपनी दोनों ही डॉटर्स को जो है निकाल देते हैं। ही सेट्स आउट इन सर्च ऑफ कॉर्डेलिया, वे कॉर्डेलिया की तलाश में चले जाते हैं। ही डाइज, वह मर जाता है। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ए, He storms out of Gloucester's castle accompanied by fool. वह फूल के साथ ग्लोसेस्टर के कैसल पर चला जाता है। Whom does Lear meet living in a little hovel on the hill? देखिए यहां पर पूछा गया है कि Lear की मुलाकात किससे होती है जब वह एक हीथ पर, एक ढेर पर, एक निर्जन स्थान पर जो है मिलता है। तो आइए देखते हैं, एल्बनी ऑप्शन दिया हुआ है, ईगर ऑप्शन दिया हुआ है, कॉर्डेलिया भी ऑप्शन में है और एडमंड भी। तो दोस्तों जो सही आंसर है इसका वो है बी, एडगर। एडगर डिस्गाइज होता है, एक बैगर के रूप में होता है और वहीं पर हीथ पर, उस निर्जन स्थान पर जो है मुलाकात होती है राजा लियर की एडगर के साथ। Why is Gloucester accused of treason? देखिए, Gloucester को सजा क्यों हुई treason के लिए? आप ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं। Because he attempts to assassinate Gondrin and Regan, क्योंकि उसने राजनीतिक हत्या करने का Gondrin और Regan को प्रयास किया, इसलिए।
बिकॉज ही थ्रोज लियर इन प्रिजन, क्योंकि उसने लियर को जेल में डाल दिया था, इसलिए बिकॉज ही एक्साइल्स एडगर, क्योंकि उसने एडगर को निकाल दिया था, वनवास कर दिया था, इसलिए बिकॉज एडमंड रिवील्स लेटर्स, क्योंकि एडमंड ने रिवील कर दिया था, उजागर कर दिया था उन सभी पत्रों को, देख लिया था, जिनसे यह पता लगता है कि ही नोज, वह जानता है ऑफ इफ फ्रेंच इन्वेशन, फ्रेंच आक्रमण के बारे में, यानी एडगर ने उन सभी लेटर्स को पढ़ लिया, दिखा दिया, जिससे यह पता लगता था कि ग्लौसेस्टर को जो फ्रेंच आक्रमण है उसके बारे में पूरी पूरी जानकारी थी। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है डी, डी इज द राइट आंसर। वेयर डज ग्लौसेस्टर सेंड लियर एंड हिज अटेंडेंट्स, वेयर डज ग्लौसेस्टर सेंड लियर, ग्लौसेस्टर ने लियर को कहां पर भेज दिया और उसके साथियों को, अटेंडेंट्स को कहां पर भेज दिया? टू डॉवर, टू लंदन, टू ग्लौसेस्टर्स कैसल, टू कॉर्नवेल्स कैसल। करेक्ट आंसर है दोस्तों डॉवर, उसने लियर को और उनके अटेंडेंट्स को डॉवर में भेजने का प्रयास किया, या यूं कहिए कि भेज दिया। हाउ इज ग्लौसेस्टर पनिश्ड फॉर हिज ट्रीजन, ग्लौसेस्टर को सजा क्यों मिली? ही इज बर्न, और सॉरी यहां पर क्वेश्चन है हाउ इज ग्लौसेस्टर पनिश्ड, ग्लौसेस्टर को कैसे सजा मिली, क्या सजा मिली? ही इज बर्न, ही इज ब्लाइंडेड, ही इज ब्रांडेड विद ए स्कारलेट लेटर, ही इज एक्साइल्ड। दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ही इज ब्लाइंडेड, उसको अंधा कर दिया गया, आंखें फोड़ दी गई। हु एनकाउंटर्स ग्लौसेस्टर ऑन द हीथ एंड ऑफर्स टू लीव हिम टू डॉग, किसकी मुलाकात होती है ग्लौसेस्टर से? हु एनकाउंटर्स ग्लौसेस्टर ऑन द हीथ, उस निर्जन स्थान पर, एंड ऑफर्स टू लीव हिम टू डॉवर, द फूल, एडमंड, एडगर और लियर। करेक्ट आंसर है दोस्तों एडगर, मैंने आपको बताया था ग्लौसेस्टर से भी मुलाकात हुई है हीथ पर इनकी एक बैगर के रूप में, और राजा लियर से भी इनकी मुलाकात हुई है, और याद रखिएगा एडगर वाज इन डिस्गाइज ऑफ अ बैगर। Who is leading the army that lands at Dover? कौन आर्मी का संचालन कर रहा था, लीड कर रहा था? एल्बेनी, कैंट, कॉर्डेलिया, लियर। करेक्ट आंसर है दोस्तों कॉर्डेलिया सी। Why does Gloucester want to reach the cliffs of Dover? डोवर की जो क्लिप्स हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ग्लौसेस्टर वहां पर क्यों पहुंचना चाहता था? He wants to see the invasion fleet, वह आक्रमण करने वाली जो सेना थी उसको देखना चाहता था। He thinks Edgar is waiting for him there, उसको ऐसा लगा कि एडगर वहां पर वेट कर रहा है उसका। He wants to throw himself over the cliffs. तो दोस्तों आगे नहीं बढ़ते, यही आंसर जो है एक करेक्ट आंसर है, आंसर सी। अब उसको लगता था कि अब कुछ भी नहीं बचा है और वह चोटी पर चढ़ना चाहता था ताकि वहां से जाकर के वो जो है अपने आप को मार सके। टू हूम आर बोथ गॉन्ड्रिल एंड रीगल अट्रैक्टिव, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा जरूर। टू हूम बोथ गॉन्ड्रिल और रीगन दोनों किसी एक के प्रेम में पड़ी हुई थी, उसके प्रति वो बहुत ज्यादा आकर्षित थी, तो वो व्यक्ति कौन था? एडमंड, एडगर, एल्बनी, कॉर्नवॉल। तो यहां पर सही आंसर जो है दोस्तों वो है एडमंड।
एडमंड इज द करेक्ट आंसर. गोंड्रिल एंड रीगन वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एडमंड. बिफोर द बैटल बिटवीन द फ्रेंच एंड इंग्लिश आर्मीज टू होज कैंप इज लियर ब्रॉड. जब दोनों ही सेनाओं में फ्रेंच में और इंग्लिश आर्मीज में युद्ध होने वाला था तो जो लियर है उसको कहां पर ले जाया गया, कहां पर लाया गया? कॉर्डिलियास कैंप में, एडमंड के कैंप में, ग्लौसेस्टर के कैंप में, एल्बनी के कैंप में. करेक्ट आंसर इज कॉर्डिलियास कैंप, कॉर्डिलिया के कैंप में. व्हाट हैपेंस टू लियर एंड कॉर्डिलिया ड्यूरिंग द बैटल. बैठक के दौरान कॉर्डेलिया को और राजा लियर को क्या हुआ था? दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर. एडमंड टेक्स देम कैप्टिव. दे आर बोथ किल्ड. कॉर्डेलिया इज किल्ड एंड लियर इज टेकन कैप्टिव. तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बी, एडमंड टेक्स देम कैप्टिव. एडमंड उन दोनों को ही कैद में कर लेता है, उनको बंदी बना लेता है. हाउ डज रीगन डाई. रीगन की मृत्यु कैसे होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए. एग्जाम में ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन साबित होंगे और यदि पेपर थोड़ा सा भी डीप जाता है दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए और इनसे आपको प्ले को समझने में भी काफी आसानी होगी. How does Regan die? Edgar kills her. Edgar उसको मार देता है. Edmund poisons her. Edmund उसको जहर दे देता है. She kills herself. Gondrin poisons her. तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है डी, गोंड्रिल जो कि उसकी बहन थी वही उसको जहर दे देती है. Who fights a duel? Who fights a duel? विद एडमंड. एडमंड के साथ किसने एक द्वंद्व युद्ध लड़ा? ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों एल्बनी, ग्लौसेस्टर, एडगर और लियर. तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है एडगर. एडगर फॉट अ ड्यूअल विद एडमंड. व्हाट डज एडमंड रिवील एज ही लाइज डाइंग. एडमंड जो है वो किस बात को उजागर करता है अपनी मृत्यु से पहले? दैट ही ऑर्डर्ड कॉर्डेलिया किल्ड, कि उसने आदेश दिया था कॉर्डेलिया को मारने का. ही इज रियली लियर सन, कि वास्तव में वह लियर का बेटा है. ही वॉज इन लव विद कॉर्डेलिया, वह कॉर्डेलिया से प्रेम करता है. ही किल्ड ग्लौसेस्टर ड्यूरिंग द बैटल, कि उसने युद्ध के दौरान ग्लौसेस्टर को मार दिया. तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ए, उसने यही बात सबके सामने रखी अपनी मृत्यु से पहले कि उसने ही कॉर्डेलिया को मारने का आदेश दिया. व्हाट हैपेंस टू कॉर्डेलिया. कॉर्डेलिया के साथ क्या हुआ? इस प्ले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये. लियर के बाद सी किल्स हरसेल्फ, वह सुसाइड कर लेती है. सी इज हैंग इन प्रिजन, उसको फांसी दे दी जाती है कैद में. सी मैरीज एडगर, वह एडगर से विवाह कर लेती है. और लास्ट में दिया है सी किल्स गोंड्रिल, वह गोंड्रिल को मार देती है. करेक्ट आंसर है दोस्तों सी इज हैंग इन प्रिजन, कॉर्डेलिया को फांसी दे दी जाती है जब वह कैद में होती तब. What happens to Lear at the end of the play? प्ले के अंत में लियर को क्या होता है? तो देखिए कितने अच्छे ये क्वेश्चन है, इससे आपको प्ले को समझने में भी आसानी होगी. His kingdom is restored. He kills himself. He orders Regan and Gondrill executed. He dies while weeping over Cordelia's body.
तो दोस्तों करेक्ट आंसर यही है, ही डाइज, वह मर जाता है, व्हाइल वीपिंग, जब वह विलाप कर रहा होता है, ओवर कॉर्डेलियास बॉडी, कॉर्डेलिया की मृत्यु पर। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्विक रिवीजन का एक वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरह के सभी प्लेस पे दोस्तों मैं वीडियो आपके लिए सीरीज पूरी लेकर के आया हूँ, कोई भी प्ले हम छोड़ेंगे नहीं, जितने भी प्लेस हैं उनके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, जो डीपनेस के साथ है, वो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।